शिद्दत का एहसास करेगी, बयान पर रखना है, मर जाएगा लेकिन
कुर्बानी करना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, वक्त पर नमाज की अदायगी करना है, सुनन नवाफिल की कसरत करना है, कुरान की तिलावत करना है, अल्लाह के दीन के मजलिसों में बैठना है, ये सब जो है इस पर अमल करने के लिए शैतान की रुकावट डालता है, वक्तों की भी कुर्बानी देना पड़ती है। दूसरी एक चीज और भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, अपनी नफ्स और अपनी अना और तमाम चीजों को कुर्बानी देना है। दूसरी चीज अल्लाह के अहकाम नाफरमानी से रुकना है, अल्लाह की नाफरमानी से रुकना सब्र क्या है, इसमें तबीयत बहुत माहिर होती है आदमी की, बड़ी आसानी के साथ बहुत देर माल मिल जाएगा लेकिन हराम है अपने आप को रोक लेता है, जिला में बड़ा तलस लेकिन अपने आप को रोक लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मना फरमाया है, झूठ बोलता है अपनी बात निकाल लेता है लेकिन अपने आप को रोक लेता है कि नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लानत पर अल्लाह की लानत हो झूठे पर, वो झूठ नहीं बोलता है। अगर किसी के बारे में किसी की इज्जत उछालना हो तो उसको डिग्रेड करने उससे इंतकाम लेने का मौका रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करता है, ये सब जगह नफ्स को मारना होता है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो कि तुम अपने लिए, कभी कभी ऐसी होती है कि दो चीज़ें एक थोड़ी सी कम ग्रेड की एक थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेड की, अब देखिए अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करना है जो अच्छी है, जरा कुर्बान करना है सबसे पहले अच्छी चीज़ चुनता है, यहाँ अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को सब्र बहुत ज़रूरी है, रोकना पड़ता है कि अपनी ख्वाहिश को रोक लिया जाए अल्लाह की रजा और खुशहाली के लिए। ये दो किस्में हैं सब लोगों ने और बयान किए, जैसे मसायब और मुश्किल आए तो गिला छुपाना है, ये भी किस बात सब, तो ये चीज़ अगर पैदा हो गई बनता है मोमिन के अंदर कामयाब तरीन इंसान को हो गया, अगर सब्र हो गया इसके फवायद क्या है आगे इंशाल्लाह जो बात आ रही है कि उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या अजर देने वाला है। तो मुसीबत इम्तिहान आजमाइश अमल बुराई से रुकना सब जगह इसकी जरूरत है, इसीलिए कहा इन्नमा युअज्जरूना अज्रुहुम बिगैर हिसाब, बेहिसाब अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र को देने सब्र करने वाले को देने वाला है। और अगर एक आदमी के अंदर सब्र की कुव्वत आ गई सब्र आ गया तो वो मामूली नहीं है, आपके अंदर हमारे अंदर अगर आ गया तो यह अल्लाह ताला का दिया हुआ फैसला हमारे बारे में, छोटे मोटे सर्टिफिकेट पर आदमी कितना खुश होता है, होना भी चाहिए कि इंसान की फितरत हो कि अगर एहसास और इज्जत कर दी अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान पढ़िए सूरह हम सज्जा इन्नमा युलक्का युलक्का इल्ला सु हसन हसीन, सब्र करने वाले आमने हसीन लोग होते हैं, तो अगर ये सिफत हमने अपने अंदर पैदा कर दी असमत का ऐलान कौन भी कर रहा है, सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, छोटे मोटे सर्टिफिकेट की बात नहीं है, ये मामूली चीज नहीं है, तो आदमी इसको अपने अंदर पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है अल्लाह से दुआ करता है। वला तकुनु लिमन युतरफ बिसमिल्लाह बहुत वला हयाम एक वला वला हयाम वला किल्ला का शब्द, अल्लाह की राह में शहीदों को मुद्दा मत जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनको मुद्दा मत करो, मौत तो उनको आई दुनिया से रुख्सत में है लेकिन यह एक एहसास है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदों के लिए कहा कि इनको शहीद कहो मुर्दा मत कहो, ये अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, मौत की बहुत सारी किस्में हैं दुनिया के अंदर, इस तरह मर्ग पर बीमारी भी आदमी मरता है, चलते फिरते आदमी मर जाता है, किसी जगह से गिर करके डूब करके अलग अलग शक्लें हैं और बाद शक्लें ऐसी भी हैं जैसे हादसाती तौर पर अलग अलग आदमी डूब कर रहा है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर पेट के मर्ज में मरा तो शहीद, अल्लाह के नबी ने कहा अगर हादसाती तौर पर जल कर मरा हादसाती तौर पर यानी आग लग गई और फंस गए तो शहीद, लेकिन इसमें एक बात याद रखिए जितनी भी रिवायतें आपको मिलेगी इस सिलसिले की यानी फला शहीद फला शहीद फला शहीद जैसा खवानी है डिलीवरी बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से होता है, अगर उसमें उनकी मौत हो शहीद कर दे तो ये उन लोगों के लिए जिनका अकीदा सही है, वरना हर चलते बैठते आदमी के लिए ये चीज नहीं, जितने भी एहसासात हैं जितने भी अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए बशारतें दी है उसमें अंतर स्टूड जिसको कहते हैं तय शुदा है कि ये बात उसका अकीदा सही होगा तो ये तमाम चीज़ें उसको मिलेंगी, और अगर बदअकीदा होगा कोई फायदा नहीं हो सकता, उसमें एक शरीर है मौत की सबसे आला किस्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में वो चीज़ देता है जो इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी होती है, कितनी भी उम्र हो जाए लेकिन मौत जिंदगी की तमन्ना आदमी की रखती है ख्वाहिशें रखती है वो उस जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है, तो अल्लाह ने एजाज दिया कि उनका मुर्दा मत करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम व खबीर था,
वो जिंदा है। किस माना में जिंदा है? इस माना में जिंदा है कि अल्लाह के नाम में जब शोहदा पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन मर्तबा उनसे सवाल करता है, ऐसे हदीस के अल्फाज हैं कि तुम्हें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, तीन मर्तबा सवाल करता है। लेकिन शहीद जब जवाब नहीं देते हैं तो बात हो जाती है कि अब नहीं कुछ चाहिए। एक रवायत के जुमले हैं कि वो इस दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि अल्लाह शहादत एक मर्तबा और हासिल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ये फैसला फरमा देता है कि अब इनके हाजात पूरी हो, वो अर्श के नीचे रोशन कंदीली है उसमें रहते हैं और सब जो परिंदों के आलम में उनके जिस्म को उनकी रूह को ढाल देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वो जहाँ से चाहते हैं जन्नत से अपना रिश्वा हासिल करते हैं। और भी दीगर रवायतें हैं। अब ये बात हमसे कही गई कि शहीद जिंदा है तो कहीं अकीदे में खराबी ना आ जाए, नई नई चीजें आदमी ना पैदा करने लगे, सवाल नई नई चीजें ना खड़ी करने लगे, फौरन इस्लाह कर दी। वला किल्ला तो शुरून, तुम समझ नहीं रखते। अब एक आदमी बोले नहीं, ऐसे जिंदा है कि दुनिया में आता है ये समझ, हमारी तरह जिंदा है ये समझ, इसमें जरा सा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो शरूर आपको दिल्ली के लिए हमको जाओ वहां तक मिसाइल के लिए उनकी जिंदगी कैसी है बस हमको बता दिया गया। कुरान में चौथे बारे में निशा तो भैया उनको रिस्क दिया जाता है तो जितना बता दिया गया बस उसको मान लेना है, दिमाग नहीं लगा रहा है। भला किल्ला तो शरूर, आपने दिमाग लगाया कुरान की बात करता है क्योंकि अल्लाह ने कहा शरूर नहीं, आप शरूर लगा रहे हैं इसके मतलब आप कुरान के मुखालिफ हैं, बस कुरान ने जितना कहा आप समय सुना और इताअत की। कुरान के अंदर बाज आयतें जो है अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुन्ना उम्मुल किताब व खरमत शाबिहात फामल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयतबऊना मा तशाबहा मिनल इब्तिगाइ फितना, जो मुतशाबे हैं उसके पीछे नहीं पड़ते हैं गई बात। मुतशाबे मौकल जो है ये हराम हलाल ये बिल्कुल वाजे अकीदे और ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो मुहकमात है उस पर ईमान लाना है बस, जिनके दिल में टेढ़ापन होता है वो उसके पीछे लग जाते हैं, नई नई चीजें उसमें तलाश करते हैं। याद रखिए सैयदुल पैगंबर मातशाह हमें इंतजार कितना अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसीलिए आगे दुआ बताई रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन, कि अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ापन ना टेढ़ा ना हो एक क़ुलूब को जमा दे, तो अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया मुर्दा नहीं वो जिंदा है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी है आप नहीं जानते। यहाँ पर एक और चीज जरा था मैं साथ चलाया करूँ, ये तो एक जिंदगी है शहीद हमारे यहाँ समाज की बजीब अकीदा है। शबे बरात के रोज दुनिया के हर कौम में सिंधों का त्यौहार है, मुसलमानों ने तो तरक्की की इंतहा कर दी, मुर्दों का एक त्यौहार है शबे बरात, ये खुद जाते हैं कब्रस्तान मुर्दे आते हैं इनके घर। अब टाइमिंग किसकी क्या मिलती है वो अल्लाह की तरफ जाए, जिन लोगों ने बनाया तो हम नहीं, अब उसमें कुछ चीजें रखते हैं अगर वो हरकत की आई आलमे बरज़ख से इस दुनिया में कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बस एक बात बोलूंगा सूरह अंबिया में वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिल बअसून, एक आड़ है जो अल्लाह ताला ने कर दिया दुनिया और बरज़ख के दरमियान, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई इस पर उसको पार नहीं कर सकता। दूसरी बात हमारे यहाँ की मतलब ये भी पाई जाती है मरने की बात की, अगर कोई खुदकुशी करता तो बिफोर मरता है उसके टाइमिंग नहीं है तो मर गया तो इसलिए अब उसकी रूह भटकते रहती है जब तक टाइमिंग पूरी ना हो, आलम बरज़ख में नहीं जाती। हमारे यहाँ ये बना लिया गया है, बिल्कुल गलत बात है और बदअदबी हुई है। देखिए मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किसी की तय कर दी, वक्त तय है, बस उसने तरीकाकार गलत चुन लिया, उसी वक्त उसकी मौत तरीका गलत चुन लिया अल्लाह के मुखालफत वाले, अब उसकी सजा यह है कि वही आकाम उसको मिलता है। लेकिन इस पर लोगों ने जरा सा तफसील से गुफ्तगु की है, देखिए अगर वो खुदकुशी करता है उसकी जनाजे की नमाज हम पढ़ें, सिर्फ अहले इल्म उलमा कायदी उठेंगे ताकि उसकी शनाख्त और कबाहत जरूर हो सके, लेकिन उसकी मफरत की दुआ करें। और वो मुशरिक नहीं है, हो सकता है कि तवील मुद्दत तक के वो अजाब भुगतने के बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करते हैं, क्यों? इसलिए कि हमेशा हमेशा जहन्नम जो है जहन्नमी वो मुशरिक राय के सर्रे के बराबर पे अगर ईमान रहेगा तो सजा भुगतने के बाद आदमी जन्नत में जाएगा, भले वो इंतहाई बुरी चीज, लेकिन अगर कोई खुदकुशी करता है शरीयत की नज़र में अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाअल्लाह लजीज। अब कुछ वाकयात मुसलमानों में भी हो रहे हैं, मैं इसकी तफसील गुफ्तगू करूँगा, उसके असबाब और उसका इलाज हमारे यहाँ क्यों
हो रहा है, उसके असबाब क्या है और उसका इलाज शरीयत ने बताया है, वो क्या इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया। तो इसमें एक चीज याद रखना चाहिए कि खुदकुशी करने वाला खत्म हो जाता है, उसकी रूह भटकती नहीं, लेकिन कुछ वाकया हमारे समाज और माशरे में ऐसे होते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है और खैर सदा। जैसे मसलन मालेगांव का एक वाक्य, 1962 के फसाद में एक शख्स को जला दिया फसाद में मर गया। अब एक बच्चा जो 1970 में पैदा हुआ, 1985 में उसके ऊपर अचानक हाजिरी आती है, झूमने लगता है, वो बताता है मैं फला फला हूं। और फसाद के वक्त जब उसको जलाया गया था तो कौन कहां खड़ा था ये भी बता रहा है। कौन बच्चा बता रहा है? जो 70 में पैदा हुआ 85 में ये बात बता रहा है, 62 में मरने वाले। अब जो वहां मौजूद है वो तो हैरत बता रहे कि ये कैसे, क्या एकदम यानी एक शख्स उस मजलिस में बैठा है, उसको कहता है तू पत्रे के नीचे खड़ा था। ये तो उसी की देखिए, शैतान इस दुनिया में इसलिए आया है कि हमको भटकाए, सिरात मुस्तकीम से हटाए। मैं इससे पहले कई मरतबा ये बात कही, हर रास्ते पर बैठाए, हर ख्याल पर बैठाए, हर सोच पर। ये असल में मामला ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, हर आदमी के साथ एक शैतान पैदा होता है, एक शैतान, वो उम्र भर उसके साथ रहता है, एक एक सिकंड एक एक पल वो सब जानता है उसके बारे में। आदमी मर जाता है लेकिन वो शैतान नहीं मरता। अब शैतान का काम क्या है? गुमराह करना। तो वो किसी के जिस्म में सवार होता है, एक सेट सब पता। अब वहीं पर लाहौर पढ़ दीजिए, कुरान की आयत पढ़ दीजिए, मत देखिए उसे, सब गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। तो ये चीज असल में अल्लाह के नबी से साहब ने कहा है रसूल के आपसे आपके साथ भी कहा हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मखलूक कर दिया, यानी उसको मातहत कर दिया, वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। वरना जिंदगी भर वो आदमी को गुनाह की तरफ दावत देता है। तो वही शैतान होता है जो हाजिर होता है, और शैतान का लगना कुरान से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तखब्बतहु शैतान मिनल मस, कयामत करो सुपुर खड़े नहीं होंगे मगर इस तरह की शैतान ने उनको छू करके खबती मकबूतुल हवास कर दिया। तो शैतान होता है, इंसान नहीं होता है। एक बात है, हमने भी देखा, अच्छा बड़ा अजीब गरीब मामला रहता है। अब जैसे मुहर्रम का मौका रहता है, सवारियां आती है, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने उसके बदन में आता है जो नमाज भी नहीं पढ़ता है, कुरान भी नहीं पढ़ता है। बचपन का एक वाक्य याद आ रहा है कि एक मकाम पर हमने ऐसे ही देखा, तो मैंने कहा कि सूर्य साहब पाँच पढ़ वो तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा हुआ था, बाहर चले गए रजी अल्लाह तआला, लेकिन मुझको भी आता है ये बदतमीजी करना। अब जरा सा पूछ लीजिए, अच्छा ये किसी आलिम का आप नहीं कभी सुनेंगे, शैतान होता है जो उनके बदन में गुलूल करके उनसे ये सब हरकत करवाता है, ये सब करवाता है। और इसकी बुनियाद पर कुरान और हदीस का जो सही अकीदा है कि मरने के बाद कोई शख्स इस दुनिया में नहीं आएगा, अगर वो नेक होगा तो अल्लाह की नेमतों से सरफराज होगा, अगर वो मुजरिम और गुनहगार होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब और अज़ाब का शिकार होगा। उससे निकल करके कोई नहीं आ सकता, नेमतें छोड़कर कोई आएगा और ना अल्लाह की गिरफ्त से कोई बच करके निकल सकेगा, ये नहीं हो सकता। ये मतलब दी है, अब वो चाहे किसी भी ग्रेड का, अब यहीं से आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो नेक बंदे हो चाहे औलिया हो, हत्ता के शहदा भी वो जिंदा है लेकिन जिनके बारे में खुद अल्लाह ने कहा कैसी जिंदगी है ये हमको नहीं मालूम। हम आम आदमी के बारे में ये कहते हैं कि वो जिंदा है, आते हैं लोगों के दरमियान, हुलूल करते हैं, अभी और वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी तरीके से खुशी करने वाला उसी वक्त बनता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम उसको भला किल्ला तशुर, ये बात याद रखिए, एक बिल्कुल ऐसी बात कही गई है जो आम हालात से हट कर है, लेकिन फौरन पाबंदी लगा दी गई है, दिमाग नहीं लगा। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ثَمَرَاتٍ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाई जरूर करें। अल्लाह आजमाई का जरूर क्या करता है, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी दे दीजिए। देखिए हमारी जिंदगी में अगर मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, कोई मुश्किल ऐसी आ जाए जो हम मोड़, सलफ का तरीका क्या था?
कुरान में इसका जाब्ता बना बयान किया गया। पहली चीज अपना मुहासबा करें, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, एक तो ये कहा, दूसरा क्या कहा, अवला यरौना अन्नहुम यफ्तरून फी कुल्ली आमिन मरतन व मरतैन सुबल आयतुन मना वला हुम यज़्ज़करून। हम उन्हें साल में एक या दो मरतबा आजमाइश में मुब्तला करते हैं, फितने में आजमाइश में, सुबल आयतुन उसके बावजूद वो तौबा नहीं करते और नहीं डरते अल्लाह से। तो पहले फौरन अपना मुहासबा करना है कि कहीं मुझसे छूटी तो नहीं हो रही है, अल्लाह की गिरफ्त तो और पकड़ तो नहीं है, अगर ये है तो क्या काम करना है, फौरन तौबा करना और अल्लाह की तरफ रुजू होना है, ये रास्ता है। और अगर अल्लाह का फजल करम और इनाम और एहसान हमारे ऊपर कि हमने कहीं गलती और चुकी नहीं की, क्योंकि अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, उसने हमको सिराते मुस्तकीम पर जमाया है, हम नेक काम कर रहे हैं फिर भी आजमाइश आए, तो अब सहाबाए किराम और अंबिया पर कैसी आजमाइश है, ईमान लाए तो बदल के कपड़ों का घर से निकले, कारोबार गया, रिश्ते गए, वतन गया, तो आजमाइश आई, तो आजमाइश अगर आई तो फिर क्या करना है, फिर सबर करना है। ये दो चीज़ें बयान की, मुहासबा और सब्र। अल्लाह आजमाएगा जरूर, तो किसी के ऊपर अगर बुरा वक्त तो आए तो फतवा नहीं देने का कि भुगतना है। हमारे यहाँ जहालत है लोगों के अंदर, बहुत बुरी चीज़ है। देखिए मैं अक्सर एक बात कहा, आजमाइश और इम्तिहान ये नसीब और मुकद्दर का मामला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, वैसी कला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमात फातमहुन क़ाल इन्नी जाइरुन लिन्नास इमामा, हमने आजमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी चीज़ों, उसके बाद मुत्तकियों का इमाम बनाया। एक मिसाल अक्सर देता हूँ मैं कि आजमाइश अल्लाह अपने बरगुजीदा बंदों से नेक बंदे जिनको चुन लेता है, मुकद्दर लगता है इसके लिए, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लाल लाल बिल्कुल अचानक ढलने लगे, आजमाइश इम्तिहान। बंदा है मोमिन कैसे पुख्ता होता है, कैसे मजबूत रहता है, कैसे उसको इत्मीनान देता है। देखिए तौरा अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, और सबसे बड़ी आजमाइश अंबिया इकराम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हिजरत करने, मक्का से हिजरत की, जब आपने मदीना में नींद कई दिन तक के आपको नहीं आती थी, हर वक्त धड़का लगा रहता था कि हमला हो जाएगा। सहाबा कहते हैं हम तलवारों और हथियारों के साथ कज़ाए हाजत खेल के जाते। हजरत आयशा कहती है कि एक रोज हथियार की झनकार की आवाज़ आई, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन, सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं, बस मेरी तबीयत में ये बात आई, मुझे ये ख्याल आया कि आपके यहाँ आकर के पहरा दूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि कई रोज के बाद अल्लाह के नबी कुछ देर के लिए बिल्कुल इत्मीनान से सो गए, और जो सांस के साथ आवाज आने लगती है वाली ऐसे आता, तो ऐसी ऐसी आजमाइश है। आजमाइश अल्लाह अपने महबूब बंदों की होता है, उसको आप एक मिसाल के जरिए समझिए। एक औरत है उसको दो बच्चे, एक सगा और एक सगीरा। आप तवज्जो कीजिए, जब वो सगे बच्चे को नहलाने ले जाती है, मोहब्बत होती है जिसको, उससे उसको तकलीफ दी जाती है, ये उसूल है बात बनाई। और अल्लाह ताला यहाँ पर बंदों के साथ जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब रखता है, वो जब वो नहलाने के लिए ले जाती है एक माँ अपने सगे बच्चे को, और सौतेले को आप गौर करेंगे तो सौतेले को जब ले जाएगी तो वह हंसता जाएगा और हंसता वो वापस आएगा, और सगे को जब लेकर जाएगी वो रोता जाएगा और रोता वापस आएगा। आप समझ रहे होंगे मैं उल्टा बोल दिया, हालांकि सीधा बोल रहा हूँ। सगा रोता जाएगा और सौतेला हंसता, क्यों जानते हो, सौतेले को जब लेकर जाएगी उसके ऊपर पानी डालेगी, आधी चट्टी गीली आधी सूखी बात हो गया ना, लेकिन जब सगे को लेकर जाएगी तो घसड़ घसड़ करना जाएगा, और वो रोएगा तो और टूटे, यानी मायल कहीं ना जाए। अब भला बताइए उस औरत को किससे मोहब्बत है, जो रो रहा है उससे या जो हंस रहा है उससे, सगे से मोहब्बत है क्योंकि उसके ऊपर कोई मायल नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला तो सौ माओ से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अब इस हदीस को भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, बात पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मानसर शुगर प्रेशर बहुत हमारे यहाँ मरीज है, घुटने के मरीज अक्सर ये रायत बयान करता हूँ, बड़ी तसल्ली का सामान, या कोई दौलतमंद जो ढसल गया, या जो भी मुसीबत से गिरफ्तार है, तसल्ली का सामान। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला अपने किसी बंदे या बंदी को कोई मकान तय करें कि मैं उसको ये अटा करूँ, लेकिन बंदा या बंदी उतनी इबादत नहीं करते कर पाते जितनी उस मकाम का तकाजा होता है, हालात ऐसे रहते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, जो पेशा है उसकी जिम्मेदारी, जो काम करता है अलग अलग वजह है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उस बंदे के लिए एक मकान तो तय कर दिया, तो रब्बुल आलमीन उसको किसी बीमारी या मुसीबत में मुबतला करता है और उसके दर्जे उसके दर्जात को बुलंद करता है। बंदा जब उस मकान के मुताबिक हो जाता है तो या तो उस बीमारी और मुसीबत को उससे हटा लेता है या उसको अपने जनाब में बुला लेता है। तो जब कोई मुसीबत या बीमारी आए तो सब के जनाब ने अपने हाथों को उठाए तो कहे अल्लाह इसको दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे, ऐ रहीम व करीम रब। कितना जबरदस्त तसल्ली का सामान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तो जरूर बजरूर आजमाएंगे, कितनी चीज़ों से, दुश्मन के डर से, भूख से, प्यास से, माल और जान में और फलों में कमी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, भूख और खौफ इसको लिबास का, ये दोनों चीजें ऐसी आदमी के ऊपर अगर तारी हो तो दिख जाए। भूखा आदमी फौरन समझ में आ जाता है और खौफ सदा आपके चेहरे से समझ में आता है, ये लिबास की तरह। जैसे अच्छे लिबास में आदमी को औरत समझ में आया था बड़ी दिखरी हुई पर्सनैलिटी और थोड़ा सा कम दर्जे का लिबास है तो वैसा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आ पाएगा। फलों में कमी करके, जानों में कमी, हमारे दरमियान में से हमारा कोई करीबी अजीज रिश्तेदार गुजरे, बहुत बड़ी आजमाइश होती है। जैसा रिश्ता वैसी आजमाइश। अब इसके एक आजमाइश ये होती है कि शिरखा छोटा बच्चा अगर पसंद हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि फरिश्ता जब आता है इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए तो अल्लाह उससे पूछता है कि मेरे बंदे या बंदी उसके जिगर का टुकड़ा तो नहीं आया, क्या कहा उसने? फरिश्ता कहता है अल्लाह, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहता है जन्नत के बीचों बीच एक महल का दे और उसका नाम रखो बैतुल माल। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के छोटे बच्चे दुनिया से रुखसत हो जाए तो रोज़ हमेशा अल्लाह के जनाब में कहेंगे कि रब्बुल आलमीन हमारे वालदैन को मक़बूल। अब एक पहलू ये होता है कि बच्चा मरा कम, लेकिन दूसरा पहलू अरे अल्लाह ताला ने चुन लिया कि आपकी दरखास्त बख्शिश की मफरत की निजात की करने वाले पहले ही पहुंचे। एक एहसास बन जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आजमाएगा। और इन सब्र करने का वाले के लिए वबस शेरी साबरीन खुशखबरी है। अब वो पहली आए जो थी और ये पूरी दोनों बहस को यहाँ पर मिला दी। खुशखबरी कैसे है? दर्जा की बुलंदी करती है, कभी तौबा की तौफीक है, कभी उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है और इस्तकामत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल और ईमान बढ़ता है। आदमी जब इम्तिहान में आता है तो उसको एहसास होता है मेरा एक रब है, उसके फैसले चलते हैं, हमारा दिमाग, हमारी सलाहियत, हमारा कबीला, खानदान के तमाम चीजें इसका चलता है। ये भी शोर बंदे अल्लज़ीन इज़ा असाबत मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं हम खुद अल्लाह की मिल्कियत है और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। जुमला देखिए, अल्फाज तर्जुमान होते हैं आदमी के अकीदे और मनहज के, हम क्या सोचते हैं। जब मुसीबत आती है तो क्या कहता है बंदा, कितनी प्यारी बात है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की मिल्कियत, वही हमारा मालिक है और जब वो मालिक है तो वो जो चाहे फैसला करे, अपनी मिल्कियत के बारे में उसको इख्तियार है। प्यारी बात, जब अल्लाह मिल्कियत नसीब कर लेता है उसको मालिक, तो उसके फैसले पर फिर उसको शिकवा नहीं करता है, मालिक के फैसले पर शिकवा नहीं करता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अब ये लोग कैसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में फैसला सुना रहा है, इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें। देखिए आजमाइश आ रही है और उस पर सब्र कर रहे हैं, सिर्फ आजमाइश, आजमाइश आई गिला शिकवा क्या सब, आजमाइश में अपने हौसले हार दे सकते, अगर सब्र किया तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है इनके रब पर इनकी नवाजिशें और रहमतें हैं। नवाजिश और रहमत आदि और कुरान की आयतों में भी आपने सुनी कितनी नवाजिश और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग जो साबित कदम रहने वाले हैं। इन सब वल मरद में शायर अल्लाह फमन हज अलबाब ताबी तमर फला जना अलै अय तवफ बिमा व तवा खैर बिन ताशा अली सबा मरवा अल्लाह की निशानियों में से, इसलिए बैतुल्लाह का हज उमरा करने वालों पर इन पर तवाफ कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अपने खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदार कदरदार है, इन्हें खूब जानने वाला है। असल में सफा मरवा जो तो अंसार के जो लोग थे उन लोगों का एक गुरु था, तो
उसको पूछते थे तो वो सपार मरवा कि सही को सबको नहीं समझते थे। एक और चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने देखी है, दो लोग थे असाफ और नाइला। इन लोगों के बारे में अरबों में जो चीज़ मशहूर है कि इन लोगों ने जिना किया अरब, तो ऐसा मशहूर था कि इन लोगों को परसाब आया। तो एक का उस तरफ रखा हुआ था सफा पर, एक का मरवा पर। तो जब इस्लाम आया तो चूंकि पहले से अमल चल रहा था तो कहा उसकी वजह से तो ये नहीं है, तो लोगों को इसमें झिझक हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इरशाद फरमाया उनके बारे में नहीं, ये नहीं बल्कि क्यों है। आज के दौर में भी अगर हम सफा मरवा पर दौड़ेंगे तो हमारी कैफियत क्या रहेगी। अल्लाह की वो बंदी जो बे आप गया मैदान में थी पानी के एक कतरे के लिए तरस रहा था, उसका बेटा वो खुद भी वो बेकरारी के साथ अल्लाह की बंदी दौड़ी रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मदद की। अल्लाह की तरफ बेकरार होकर के दौड़ो, मिसाइल का मिसाइल को इस्तेमाल करो, कोशिश करो, आखिर मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन की आएगी। ये तसव्वुर भी वहाँ पर रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदार है, मुझे खूब जानने वाला है। हमारी दिली कैफियत ये पूरी बातें करने के बाद हमारे अंदर क्या है, बाहर हम कितना बोलते हैं जाने देते, अंदर क्या है ये अल्लाह जानता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर को दुरुस्त रखें, बाहर को नहीं। बहुत ज़्यादा बाजू बोलने से होती है, बाद लोगों के अंदर असल में ये खामी आ जाती है कि कोई नेक काम, मैं तो डर गया, मेरा मामला ये है ना, जुमले इस तरह इस्तेमाल किया, अल्लाह ने मुझे बहुत हिदायत और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको साबित कदम रखा अल्लाह के कलाम की वजह से, उसके नबी की हदीस की वजह से, ये मैं पूछ चुकी हूँ। और छुपी हुई नेकियों को तो बयान नहीं करता, जैसे बात करो सुबह हो गए, असल में रात में 2:30 बजे उठा, बहुत ठंडी थी, ताजुब के लिए उठा ना, वजू पानी के लिए अल्लाह के नहीं बनते, पूरे तरह ही अल्लाह की इबादत की, रब्बुल आलमीन उसको कबूल करे, लेकिन उसको बयान न करे। जब नवाबी छुपी हुई इबादत है जो, और अगर कोई चीज़ अल्लाह ने की तो उसको शैतान साय करवाता है, मैं तो कोई परवाह नहीं करता, ना 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 मैं तो जुमले कहिए, अल्लाह ने मुझको हिदायत की मुश्किलात में जमा दिया रब्बुल आलमीन ने, बड़ा इनाम उस रब का, बस शुक्र वाली ज़बान अगर आ गई, लेकिन शकर तुम लाजी कर सको, अल्लाह और देगा तुमको ज़्यादती करेगा, और नहीं तो फिर छीन लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। बस एक आखिरी रिवायत बयान करता हूँ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सुबह जब आदमी उठता है तो दो फरिश्ते, फरिश्ते उनके लिए क्या जवाब है, अल्लाह ये तेरे रास्ते में अगर खर्च करता है इसके माल में इजाफा कर, और अगर ये रोकता है तो तू भी रोक। तो जितनी चीजें अल्लाह के रास्ते में हमारे पास है अल्लाह बढ़ोतरी करता है, हर मामले में अल्लाह का शुक्र करने वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अमल करने वाला मिजाज हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह तूने जो इहकामात किए रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन उस पर साबित कदम और जमने की तौफीक दे, अल्लाह इखलास दे रब्बुल आलमीन, अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तर वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता।